मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले वृंदावन में हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। वहीं पढ़ने की उम्र में सड़क किनारे झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं को चंदन लगाकर पैसे मांगने या फिर भिक्षावृत्ति करते हुए नजर आते हैं। इन दिनों वृंदावन छट्टीग्राम मार्ग पर बने फुटपाथ पर इन्हीं बच्चों के जीवन में शिक्षा की अलग जगाने का काम कर रही हैं 27 वर्षीय कथावाचिका नित्या किशोरी। यह प्रतिदिन बच्चों को शिक्षा देती हैं और उनकी माँ इस कार्य में सहयोग कर रही हैं। दरअसल कथावाचिका नित्या किशोरी मूल रूप से रेवाड़ी हरियाणा की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी साहित्य से एमए करने के बाद फिलहाल एमएड कर रही हैं और 4 साल पहले भागवत का अध्ययन करने के लिए वह वृंदावन आई थी। माता पिता और छोटे भाई के साथ साथ वृंदावन में रहकर नित्या किशोरी यहाँ भगवान की सेवा कर रही हैं और दूसरी तरफ यहाँ बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य कर रही हैं। 2 साल यहाँ उन्होंने भगवत का अध्ययन किया और कुछ कथाएं भी वृंदावन में रहकर उन्होंने की। फुटपाथ पर चलने वाले अपने स्ट्रीट स्कूल को लेकर उन्होंने बताया कि मंदिरों के बाहर सड़कों पर घूमने वाले बच्चों को जब वह भिक्षावृत्ति करते हुए देखती थी तो उनके मन में एक भावना पैदा हुई और इस भावना से उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। बच्चे लगातार इनके पास पढ़ने आ रहे हैं और यह शिक्षा की अलग जगाकर इन बच्चों को एजुकेशन देना चाहती हैं और तकरीबन 30 से 40 बच्चे अब इनके पास पढ़ने आ रहे हैं, जिन्हें वह कॉपी, पेंसिल, किताब और समय समय पर खाना भी उपलब्ध कराती हैं। एबीसीडी, छोटा बड़ा, गिनती और नाम पाम। अच्छा, पहले कभी स्कूल गए आप? हाँ, पहले गए थे। वहाँ क्या हुआ था? बढ़िया, माई पढ़ाते थे, छोटा बड़ा। फिर स्कूल क्यों नहीं गए बाद में? हम यहाँ गए थे, फिर यहाँ पे आके स्कूल नहीं गए। पहले कहाँ थे? पहली भरतपुर थे। दीदी पढ़ाती हैं, कैसा पढ़ाती हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा। क्या नाम है आपका और आप स्कूल चला रही हैं? कैसे किया, कैसे जी? भैया, मेरा नाम नित्या किशोरी है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। मैं पिछले 4 साल से वृंदावन में ही रह रही हूँ। तो सामने में कृष्णा ग्रीन्स में ही रहती थी। जब मैं बाहर आती थी रोड पर तो बच्चों को भीख मांगते हुए देखना या किसी गाड़ी के पीछे ऐसे भागता हुआ देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इसलिए मैंने इनको एजुकेट करने के लिए कि इनके अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं, गुड हैबिट्स को भी क्रिएट करने के लिए मैंने इनके लिए क्लास स्टार्ट की है। कितना समय हो गया लगभग आपको शुरू करते हो? कितने बच्चे अब आपके पास आ रहे हैं? मुझे भैया 1 महीने से ज़्यादा हो गया और जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास 20-22 बच्चे थे, अभी तकरीबन 40 बच्चे मेरे पास आते हैं। बच्चियाँ भी आपके पास पढ़ रही हैं कई बार, और ये बच्चियाँ वो हैं जो सड़क पर रहती हैं। बिल्कुल। गुड हैबिट और बैड हैबिट के बारे में भी आप इनको बताते हैं, क्या इनको मैसेज देती हैं? बस भैया, ताकि ये बच्चे जैसे बड़ी हो रही हैं लड़कियां, तो रोड पर इनके साथ कोई गलत छेड़खानी ना करे, इनको कोई गुमराह करके अपने साथ ना ले जाए। तो इस तरीके से इनको सिखाना कि बेटा कोई किसी चीज़ का लालच देकर आपको अपने साथ ना ले जाए, आप इतने पागल मत हो जाओ किसी के पीछे की भागते ही चले जाओ और वो आपको कहीं भी ले जाए। तो ये सब मैं इनको सिखाती हूँ और कैसे प्रॉपर ड्रेसिंग है, आपको कैसे पूरे कपड़े पहन के रहना है, क्योंकि इनके माँ बाप इनको इस तरीके का भी कुछ नहीं, लड़की हो चाहे लड़का, बिना कपड़े के रखना ही ज़्यादा पसंद करते हैं इनको। इनके घर वालों को कैसे आपने तैयार किया इसके लिए? घर वाले तैयार नहीं हुए, ये बच्चे खुद ही पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, ये खुद ही आते हैं। माँ बाप इनको किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते, ना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, ना इकोनॉमिकली, किसी भी तरीके से इनका कोई सपोर्ट नहीं है। आप कैसे मैनेज करते हैं सारा भोग वगैरह? और देखा है हमने कि आप इनको
सारी जो स्टेशनरी है वो मैं इनको उपलब्ध करा रहे हैं जी। अभी तो मैं अपनी तरफ से ही इनके लिए लेकर आती हूँ, जैसे कभी भैया ने कह दिया कि मेरी तरफ से ले लेना, कभी मैंने या फिर एक दो मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इनको कलरिंग बुक्स वगैरह प्रोवाइड की है, लेकिन अभी वैसा कोई सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है कि इनके लिए मैं कुछ ज़्यादा कर पाऊँ। आप भागवत कर दीजिए जी और भगवान से लोगों को जोड़ती थी, अब शिक्षा से बच्चों को जोड़ जी। भैया मुझे ऐसा ही लगा कि ये सबसे अच्छी सेवा शायद मैं ठाकुर जी के लिए जो कर सकती हूँ, बिहारी जी को इससे ज़्यादा खुशी इससे ज़्यादा किसी चीज़ से नहीं मिल सकती कि उनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठकर एक साथ पढ़ते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, तो उस सेवा से ज़्यादा उत्तम मुझे ये सेवा लगी।